मेरी लाइफ में रील्स चल रही थी, इंस्टा चल रहा था, लेकिन पता नहीं मेरी लाइफ में किक नहीं मिल रही थी। हर एक स्टूडेंट्स की लाइफ में कुछ ना कुछ फेलियर्स होते हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स होते हैं, तो मेरी ही ऐसी कुछ स्टोरी बनती है। लेकिन मेरी स्टोरी है इससे थोड़ी अपोजिट। ये जरूरी नहीं है कि आप गलती करके ही चीज़ों को सीखेंगे, आप दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको सिखा सकती है। नॉलेज में एज और जो ये फेलियर फैक्टर होता है जो हम लेके आ जाते हैं बार बार, तो नॉलेज में कभी भी एज और फेलियर फैक्टर आना ही नहीं चाहिए। एक छोटे से छोटा बच्चा जो है वो आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी निखिल उपाध्याय एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट स्टूडेंट फ्रॉम एम्स इन दिल्ली। एंड मैंने लाइक ऑप्टोमेट्री का एक एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, तो जिसमें मेरी एक रिसेंट रैंक आई थी, एंड जिसकी वजह से मुझे एम्स दिल्ली में जो ऑप्टोमेट्री डिपार्टमेंट है, आरपी सेंटर से बोलते हैं, राजेंद्र प्रसाद, तो उसे मुझे एडमिशन मिल गया था। देन मैंने लाइक 2 महीने बाद ही मैंने ड्रॉप ले लिया, तो उसके कुछ रीजंस थे जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको आज अपनी जर्नी के बारे में बता दूं कि मैंने कैसे लाइक 2017 से लाइक नीट प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और 2019 तक आते आते लाइक मेरा मतलब क्या स्कोर था और मेरा एडमिशन क्या कैसे हुआ। अब सारी जर्नी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो लाइक बैकग्राउंड है स्कूल का, वो मेरा जो स्कूलिंग हुई है वो मेरी यूपी बोर्ड से हुई है, हिंदी मीडियम से हुई है, ठीक है। मैं एक लाइक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, ना ज़्यादा कम और ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है। मैं लाइक ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि मुझे ना लाइक मेडिकल का जो मन था, लाइक कैरियर, लाइक मुझे एम्स में जाना है या फिर किसी और मेडिकल में जाना है, तो मेरा ऐसा जैसा कुछ नहीं था, लाइक सिंपल कि मुझे 12th कंप्लीट करनी है, उसके बाद देख लेंगे जो कुछ होगा। तो जैसे ही मैंने लाइक 11th में बायोलॉजी ली थी, तो हमारे ना एक यूपी बोर्ड में बहुत बेकार वाला सिस्टम है कि लाइक अगर आप बायोलॉजी चूज़ करते हो या फिर मैथ, ठीक है, तो आपको एक ही मिलेगा, तो आप एक साथ दोनों सब्जेक्ट को चूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप बायोलॉजी लोगे तो आपके लिए केवल एक ही फील्ड है, वो है बायोलॉजी का, मतलब आप सिर्फ मेडिकल में ही जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं अगर बात करूँ, क्योंकि अगर आप मैथ लोगे तो मैथ्स में आपके साथ बहुत सारे फील्ड जो है वो ओपन हो जाते हैं, लेकिन बायोलॉजी में केवल आपके पास मेडिकल ही बचता है। ना आप उसमें आप जेई का दे सकते हो, ना आप कोई लाइक एनडीए का आप वो कर सकते हो, है ना, एफ कैट वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही मेरी लाइक 12th जो है वो कंप्लीट हुई, उसके बाद हम आगे दिल्ली कोचिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने पास में एक लोकल कोचिंग थी जिसका नाम है टारगेट पिमटी, तो वहाँ मैं पापा के साथ गया, एडमिशन लिया। तो एज सच इतने ज़्यादा मतलब फीस उसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कैसे भी करके पापा ने उसको लाइक फिल किया, ठीक है, और फॉर्म फिल किया, और फीस वगैरह जो है वो लाइक इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में बनवाई। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो एक मतलब जो किसान का बैकग्राउंड है मेरा, और उसमें जो है हाँ पापा ने 4 इंस्टॉलमेंट बनवाई थी, कुछ ऐसी थी 37,000, 37,000 ऐसी कुछ थी। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो पापा ने स्टार्टिंग में उन्होंने भरवा लिया था, लेकिन सेकेंड इंस्टॉलमेंट की जो डेट थी वो थी 1 महीने बाद, थी 1 मंथ बाद। तो मुझे स्टडी मटेरियल सब कुछ मिल गया। अब मैं क्या है कि मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई, ठीक है। तो जैसे ही 15 दिन हुए तो मैं घर पे आया और मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, हिंदी मीडियम से आया हुआ हूँ, ये सारे इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और मतलब मैं करूँ क्या, आप एक काम करो कि आप ना अब ना इंस्टॉलमेंट मत भरो, मैं घर से प्रिपरेशन कर लूँगा, जो होगा देख लेंगे, अदरवाइज मैं मेडिकल को छोड़ दूंगा। तो पापा ने बोला कि नहीं, तू एक काम कर, जो कुछ हो रहा है वो चलने दे, लेकिन अभी क्या है कि तू अभी फर्स्ट सिर्फ फोकस कर, समझ तू चीज़ों को भी क्या चल रहा है, ठीक है। अपने कोचिंग में जो पढ़ाए जा रहे हैं तो उनको घर पे आके पढ़, रिवाइज कर, जो कुछ हो सकता है, लेकिन तू कोचिंग कर, कोचिंग को तू बंद मत कर। तो मैंने कैसे करके 3 से 4 महीने जो है वो मैंने कोचिंग कंटिन्यू किया, मैं आया आता था, मैं पढ़ता था, ठीक है। और अपने मैंने एक चीज़ इस टाइम पे और की थी, मैंने अपनी यूपी बोर्ड की जो बुक्स थी हिंदी में, तो उनको मैं अपनी जो पढ़ाया जाता था मुझे कोचिंग में, तो उनको दोनों को साथ में रखकर पढ़ता था। तो जिससे क्या है कि मुझे धीरे धीरे जो है चीज़ें समझ आना स्टार्ट हुई, और फिर मैंने क्या किया, मैं धीरे धीरे ये जो हिंदी मीडियम चूँकि जो बुक्स थी उनको मैं हटाता गया। तो जब मैं ये मेरे को समझना जो है अच्छे से समझना मेरे को स्टार्ट हुआ था, तो तब तक जो है वो नीट की डेट आ चुकी थी और उसमें लाइक 1 महीना ही बचा था।
तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने ये सोचा कि भाई कोचिंग तो इस बार की है तो उसका कुछ बेनिफिट तो लेना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक मेरी क्लास की एक लड़की थी तो उससे मैंने नोट्स लिए, ठीक है, प्रॉपर मैंने उसके मतलब अपने जो है वो सारे नोट्स बनाए, सभी सब्जेक्ट के मैंने अपने नोट्स बनाए, ठीक है। और जब नोट्स बना के कंप्लीट हुए तो 2 या 3 दिन बाद जो है वो नीट का एग्ज़ाम था। नीट का एग्ज़ाम देकर आए चिल, ठीक है, अच्छे से एग्ज़ाम दे के आए। और जब मतलब कोई ज़्यादा इतना ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं था, क्योंकि यार प्रिपरेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, ठीक है। और जब नीट का रिजल्ट आया तो 297 मार्क्स थे 2018 में, और तब समझ आ गया था कि लाइक यार पता नहीं नीट अपने लिए तो बनाई नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद पापा ने बोला कि क्या करेगा, एलन जाएगा या फिर से टारगेट में कोचिंग लेगा। तो मुझे देखो एज सच मुझे एलन के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन मैंने टारगेट का सीधा मना कर दिया क्योंकि यार इसकी फीस बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने पापा से बोला आप एक काम करते हैं, मैं घर बैठ के ही नीट क्रैक करूँगा। तो मैंने लग गया नीट की प्रिपरेशन में। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लाइक यूट्यूब खोला, मैंने बहुत सारे टॉपर्स के नाम सुने हुए थे कि लाइक वो अच्छी टिप्स देता है, ये अच्छी टिप्स देता है। तो मैंने सबसे पहले 2018 में एक चीज़ मिस्टेक जो है वो मैंने स्टार्ट कर दी थी, गलतियों पर गलती करना स्टार्ट कर दी। सबसे बड़ी पहले गलती थी मैंने ना टॉपर्स को सर्च किया, ठीक है। तो मुझे बहुत सारे एम्स दिल्ली के और कुछ मेडिकल कॉलेज के भी मिले, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ना बुक सजेस्ट करना स्टार्ट कर दी थी। तो उस टाइम पर एम्स का भी एग्ज़ाम था और मुझे ना एम्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा क्रेज़ था मुझे मुझे लाइक सपने भी मैं जो है ना मैं कुछ भी नहीं देखता था एम्स की बजाय, ठीक है। मुझे एम्स ही दिखाई देता था कि लाइक मैं एम्स में क्लासेस में जा रहा हूँ, कुछ और कर रहा हूँ, मज़े कर रहा हूँ। और इवन जो कोचिंग में जो टीचर्स थे तो टीचर्स से भी मैं बोलता था कि सर कुछ बुक बताओ सर जिसकी वजह से मैं वो कर लूँ और मैं एम्स पहुँच जाऊँ, तो ठीक है। तो टीचर्स का भी रिप्लाई क्या होता था कि बेटे तुम्हारे मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं बोलता था वो यार कि सर मेरे 350 मार्क्स आ रहे हैं। तो वो मेरे को रिप्लाई कर देते थे कि एक काम करो 550 क्रॉस करो, ठीक है। तो ऐसे ही मेरा मतलब मैंने मतलब नहीं हो पाया था, मेरा 550 क्रॉस नहीं हो पाया था तब मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्क्स थे उस टाइम मेरा। उस टाइम पर सबसे बड़ी जो मेरा फॉल्ट रहा था वो मेरा ये रहा था कि उस टाइम पर मैंने लाइक टारगेट पीएमटी के अलावा मैंने और कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी, जो कि मुझे एलन या फिर आकाश की कोई और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। तो मैंने लाइक कोचिंग किया, मैंने मैम से बोला कि मैम ऐसे ऐसे प्लीज़ कैसे भी करके लाइक मतलब मेरे को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। तो मैम ने बोला ठीक है, और उन्होंने मुझे लाइक फ्री में जो लाइक उनकी जो टारगेट पीएमटी की जो कोचिंग है उसमें जो टेस्ट सीरीज वो लोग प्रोवाइड करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट पड़ती है वो 20 या 22,000 है, तो वो उन्होंने मुझे फ्री में प्रोवाइड की, ठीक है। तो मैं क्या करता था कि मैं लाइक वीकली मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किए तो मेरे मार्क्स जो है वो 400 क्रॉस ही नहीं हो रहे थे मॉक टेस्ट में। और मैंने एक चीज़ और कर ली थी, मैंने लाइक सबसे बड़ी गलती जो मैंने की थी वो मैंने टॉपर्स को देखना स्टार्ट कर दिया था यूट्यूब पर। लाइक मैं बार बार मोटिवेट होता तो मैं टॉपर्स को देखता, बार बार मुझे कोई अगर डाउट होता तो मैं टॉपर्स की तरफ भागता, मैंने टीचर्स की तरफ फोकस करना ही बंद कर दिया था। तो मैं आपसे एक ही सजेस्ट करूंगा कि यार आपको अगर कोई भी डीमोटिवेट अगर फील हो रहे हो, आपको अगर फील कर रहे हो कि मैं लाइक मुझे से नहीं हो रहा है, या फिर आप कोई भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर कोई आप लाइक वीक हो रहे हो, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो अपने टीचर्स के पास जाओ, ठीक है। सबसे बड़ा जो मैं आपको बता रहा हूँ बात वो यही है। तो जिस भी टॉपर्स की वीडियो देखता था मैं तो कोई ना कोई टॉपर कोई ना कोई बुक जो है वो रिकमेंड कर देता था, कोई एन अवस्थी रिकमेंड कर रहा है इनऑर्गेनिक के लिए, कोई ऑर्गेनिक के लिए एमएस स्वान रिकमेंड कर रहा है, कोई मुझे प्रदीप की बुक रिकमेंड कर रहा है, हमें मतलब प्रदीप की जो बुक्स हैं वो रिकमेंड कर रहा है। तो ये सारी बुक जो है वो मैंने मंगा ली, ठीक है। अब क्या, अब करें क्या। अब एक और चीज़ हो गई थी कि मेरे कोचिंग के ना एक सर थे ऑर्गेनिक के, तो उन्होंने जो है मुझे एमटीजी फिंगर ट्रिप्स, ठीक है, तो उसके लिए बोल दिया था। तो मैंने उसी दिन पापा को ले गया और मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के लिए जो है वो मैं तीनों मतलब बुक ले आया उसकी एमटीजी की। अब जो है वो मेरे पास पूरा एकदम से भंडार हो गया था। और एक और चीज़ हुई इसमें कि मेरे जो एक फ्रेंड था, ठीक है, जिसने 11th और 12th में लाइक आकाश से कोचिंग किया था, ठीक है, और यहाँ हमारे साथ जो है वो ड्रॉप आउट बैच में था वो, ठीक है। तो उसका जो सिलेक्शन है वो नीट 2018 में हो गया था और उसको जो कॉलेज है वो बिहार का मिल गया था। अब वो अपना स्टडी मटेरियल जो है वो मुझे दे गया आकाश का, अब जो है वो मेरे पास पूरा पंडाल हो गया था स्टडी मटेरियल का, ठीक है।
तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगा कि नीट की प्रिपरेशन में या फिर जेई की प्रिपरेशन में और चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसकी प्रिपरेशन में सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है वो होता है हमारा स्टडी मटेरियल के रिसोर्सेस। तो स्टडी मटेरियल के रिसोर्सेस आपके पास जितने कम होंगे आप उतनी ही इफेक्टिवनेस की लाइक बहुत अच्छी तरह से आप उसको रिवाइज कर पाएंगे और आपका जो मतलब डिमोटिवेट नहीं होंगे क्योंकि आपको ना आप अपने आप को ना लिमिट करना सीखो। अब मेरे साथ क्या होता था कि मैं कभी एन अवस्थी से क्वेश्चन लगा रहा हूँ, कभी मॉड्यूल से लगा रहा हूँ, कभी प्रदीप से लगा रहा हूँ, ठीक है? तो ना मैं प्रदीप का हो पाया, ना एन अवस्थी, ना मैं अपने कोचिंग मॉड्यूल का, तो तीनों के साथ मैं अलग बट गया। तो आपने ये हर किसी से आपने सुन लिया होगा कि 10 बुक लगाने से बढ़िया होता है कि किसी एक बुक को आप 10 बार लगा लो, ठीक है? तो ये बात बहुत ही सही बात है, ठीक है? लेकिन मैंने इस बात को सुना तो हर किसी से था लेकिन मैं इसको फॉलो नहीं किया, ठीक है? लेकिन हमेशा एक बार चीज़ ध्यान रखना कि जो टॉपर्स बोलते हैं ना, तो टॉपर्स की हर चीज़ को फॉलो मत करने लगना क्योंकि हर किसी की स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। अभी इस टाइम पे आप देख रहे होंगे कि इतना जल्दी जो है वो टाइम की जो जो सेकंड वाला होता है ना, सेकंड वाले जो सुई होती है वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होती जितनी ज़्यादा टॉपर की जो स्ट्रेटजी वाली जो वीडियोज़ होती हैं जो करंटली अभी जो आ रही हैं वो जितनी जल्दी चेंज हो जाती है ना उतना जल्दी टाइम चेंज नहीं होता है। आज कभी ये स्ट्रेटजी, कभी कल दूसरी स्ट्रेटजी आ गई, परसों दूसरी स्ट्रेटजी आ गई, तो ये सारी स्ट्रेटजी जो है ना बहुत जल्दी चेंज होती रहती हैं, ठीक है? तो स्ट्रेटजी किसी की फॉलो मत करो, स्ट्रेटजी अपनी बनाओ, ठीक है? अपना जो शॉर्ट नोट्स वगैरह हैं अपना शॉर्ट नोट्स बनाओ, किसी के शॉर्ट नोट्स मत लो, ठीक है? डाउनलोड कर लो, कुछ भी देख लो, मतलब कि हाँ ऐसे मुझे बनानी है, लेकिन किसी का भी फॉलो मत करो, अपना खुद का स्टडी मटेरियल रेडी करो, खुद के शॉर्ट नोट्स रेडी करो, खुद के नोट्स बनाओ। अब नीट का एग्ज़ाम जो है वो लाइक 4 महीने रह गए थे उसमें, तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, ठीक है? फिर मैं क्या है कि फिर यूट्यूब पर चला गया कि डिमोटिवेट हो रहा हूँ, तो मैंने किसी दीदी या भैया के वीडियो देख लिए, तो मेरा ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। अब मेरे पास 1 महीना बचा हुआ था, अब मैं चला गया फिर से वीडियोज़ पर। वीडियोज़ आ रहे थे कि लाइक 12 दिन में बायोलॉजी कंप्लीट करें, ठीक है, फिजिक्स कंप्लीट करें, केमिस्ट्री कंप्लीट करें, तो उन कंप्लीट के चक्कर में मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। नीट 2019 में मेरा जो स्कोर आया वो आया मेरा 357, 357 मार्क्स, और लाइक 1 लाख से ऊपर जो है मेरी रैंक चली गई थी, ठीक है? तो उस टाइम तो मैंने सोच लिया था कि भाई नीट तो अब करना ही नहीं है, लेकिन कैसे भी घर वालों ने मेरे को बोला कि एक काम कर, लास्ट बार ट्राई कर ले, होता है तो ठीक है, अदरवाइज हम कोई ना कोई बाद में कुछ देख लेंगे। अब नीट 2020 की प्रिपरेशन करना मैंने स्टार्ट किया। अब मैंने सोच लिया था कि मैंने दो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी, एलन की और एक मैंने टारगेट की थी। तो टारगेट की मैम ने फिर से लाइक उन्होंने बोला कि ठीक है थोड़ा बहुत स्कोर तेरा इंप्रूव हो रहा है तो एक काम कर फिर से तू टारगेट की ले ले। तो टारगेट की मैम ने मेरे को फ्री में टेस्ट सीरीज दे दी थी, उसका मैंने एलन की और ज्वाइन कर ली थी। तो अब मेरे जो मार्क्स थे वो 550 क्रॉस हो रहे थे, तो मैंने कोचिंग वाले सर से फिर से बोला कि सर एम्स से लिख ले कोई बुक बताओ। तो उन्होंने मुझे एक बुक रिकमेंड की थी, ठीक है, फिजिक्स के लिए, तो वो मैंने लगाना स्टार्ट किया। तो वो मैं लगाता गया, लेकिन वो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन, मतलब उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरा डाउन हो रहा था, तो मैंने वो बुक छोड़ दी और अपने मॉड्यूल पे आ गया। तो मॉड्यूल करता गया, लेकिन बीच में जो है वो लाइक कोविड की वजह से जो है वो मैं पूरा डिस्ट्रैक्ट हो गया। लाइक मैं यूट्यूब पर चला गया, कब मैं पैसों के मतलब पैसों जो पैसा कमाना है, ये कमाना है, वो कमाना है, मतलब पूरी कंप्लीटली मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। और जैसे ही लाइक नीट जो है वो मतलब वो डिले होता जा रहा था, वैसे वैसे मैं लाइक मस्ती में लाइक कहीं मतलब यूट्यूब पर वो कर रहे हैं, कहीं ये चीज़ चल रही है, कहीं मजे कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ चलती गई। अब जब नीट का एग्ज़ाम हुआ, बहुत बुरा एग्ज़ाम गया, ठीक है, तो उसके बाद मुझे लाइक रियलाइज़ हुआ कि यार अभी जो ये एम्स पैरामेडिकल का जो मैंने एग्ज़ाम जो मेरा सॉरी इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो भरा हुआ है उसके लिए करते हैं, क्योंकि अब मेरे पास जो है वो लास्ट ऑप्शन ये ही है। तो मैंने क्या किया, मैंने लाइक मेरे को ना थोड़ा फिजिक्स मेरी थोड़ी वीक थी उस टाइम पर, तो मैंने फिजिक्स वाला सर जो है तो उनकी मैंने वीडियोस जो है वो करना स्टार्ट किया। और मैंने लाइक 1 मंथ के अंदर, मेरे पास 2 महीने का टाइम बचा था, लेकिन मैंने 1 मंथ के अंदर 11th की फिजिक्स कंप्लीट की और मैंने 12th के कुछ चैप्टर जो है वो 15 डेज के अंदर कंप्लीट कर लिए। तो ऐसे करके मैंने रिवाइज किया और मैंने 2 मंथ्स के मतलब 2 महीने के बाद जो है वो मैं एम्स का जो पैरामेडिकल का एग्ज़ाम था वो देने गया। तो ये मतलब एग्ज़ाम देने के बाद जो है वो मुझे थोड़ी फील आ रही थी कि हाँ यार पैरामेडिकल में तो हो सकता है। जब नीट का रिजल्ट आया तो नीट का रिजल्ट जो है वो ऐसा कुछ ज़्यादा खास मार्क्स नहीं थे, 512 मार्क्स बने होते
और जिसमें मेरा पता था मुझे एडमिशन नहीं मिलने वाला, लेकिन जब मुझे एम्स पैरामेडिकल का जब मेरा रिजल्ट आया तो मुझे एक डिसेंट रैंक मिली और मुझे लगा कि हाँ इस बार तो लाइक नीट से तो नहीं मिला लेकिन एम्स का जो सेपरेट एग्ज़ाम है पैरामेडिकल उससे तो मिल जाएगा। तो ऐसे करके मैंने लाइक मेरा जो एम्स का जो ड्रीम था वो मैंने कंप्लीट किया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मैंने जो है वो जो एम्स दिल्ली है वो मैंने क्यों लेफ्ट किया, उसके क्या रीजंस थे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू।